नमस्कार, सिटी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, कहते हैं कि एक छोटा सा दीपक हालांकि पूरे जगह को तो रोशन नहीं कर सकता, मगर उस अंधेरे में आप एक छोटे से दीपक को अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वो आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इसी तरह थोड़ा थोड़ा ज्ञान अगर आप हर रोज सुबह शाम दोपहर को अगर लेते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में वो खुशहाली लेकर आएगा। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा प्रणाली के ऊपर। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली किस तरह है, हमारी पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी यानी कि गुरुकुल वाली, वो किस तरह थी, और आने वाली शिक्षा पद्धति जो है वो कैसी होगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन पीढ़ी के लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ युवा साथी भी हैं, और हमारे साथ 40 वर्षों का अनुभव लिए हुए शिक्षा जगत से जुड़े हुए भी हमारे साथ शामिल हैं। मैं आपका सबसे पहले परिचय करवा दूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अशोक अग्रवाल साहब। नमस्कार। MNIT में प्रोफेसर हैं और पिछले 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि इंजीनियरिंग और टेक्निकल क्षेत्र में आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हमारे साथ हैं यश कुमार मित्तल साहब जो कि आर्किटेक्ट भी हैं और प्रोफेसर भी हैं आप MNIT में ही, और हमारे साथ शामिल है मोहनीश स्वामी जी जो कि स्टूडेंट हैं, अभी अपनी एजुकेशन पूरी की है और एक राइटर भी है। आप तीनों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरा आपसे सीधा सीधा एक सवाल है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति वर्तमान में चल रही है, आप क्या उससे खुश हैं? नहीं, मैं उससे कतई भी खुश नहीं हूं। उसका मूल कारण यह है जी कि एक जमाने में जब मैं 45 साल पहले या 50 साल पहले जब मैं विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता था जी, तो उस समय जिस विद्यालय में मैं पढ़ता था उस विद्यालय में शिक्षण का माध्यम वही था जो मेरी स्वयं की मातृभाषा थी जी। चूंकि मैं जयपुर में पढ़ा हूँ, जयपुर के महावीर दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और मैंने अपनी पहली से 11वीं कक्षा तक की शिक्षा जो है हिंदी माध्यम में ही ग्रहण की थी, और हिंदी ही मेरी मातृभाषा है, और हिंदी मातृभाषा होने के कारण घर में जब से मेरा जन्म हुआ हिंदी बोलता आया हूँ, सुनता आया हूँ, और हिंदी में ही सीखता आया हूँ और पढ़ता आया हूँ जी। तो 11 वर्षों तक हिंदी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब मैं आज से 45 वर्ष पूर्व जयपुर के मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में आया, तो उस समय भारत सरकार के नियम कायदे कानून के हिसाब से यहाँ शिक्षण का माध्यम अनिवार्य तौर पे अंग्रेजी था जी। क्योंकि हमने अंग्रेजी एक विषय के तौर पर 11वीं कक्षा तक पढ़ा था तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी हमें आती थी, लेकिन शुरू शुरू में 2-3-4 महीने तक पहले सेमेस्टर में हमें भाषा को लेकर कुछ समस्या हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसमें अभ्यस्त होते गए और अगले 9 सेमेस्टर में मुझे कोई कभी समस्या नहीं रही। और आपको ये जानकर खुशी होगी और श्रोताओं को और दर्शकों को जानकर भी ये आश्चर्य होगा कि मैं मेरे संस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय में मैं मेरिट में योग्यता सूची में प्रथम रहा। तो मुझे अंततः ये लगा कि एक बार जब आप उच्च शिक्षा में चले जाते हैं तो भाषा जो है वो कोई बंधन नहीं रह जाता है, लेकिन मेरा ये दृढ़ विश्वास है और मेरी ये मान्यता है कि जो छोटे बच्चे हैं, खास तौर से जो पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ते हैं, वो चाहे कहीं भी हो, उनको उनकी पढ़ाई उसी भाषा में होनी चाहिए जिस भाषा में वो अभ्यस्त है या जिस भाषा में उन्होंने कुछ पढ़ा है, सीखा है, घर में जो वातावरण है उस भाषा में ही अगर उनकी पढ़ाई हो तो वो जो बाल मन होता है वो सहज रूप से नई नई चीजें सीखता है, स्वीकारता है, समझता है और उसके बाद आगे कुछ जाने की अच्छा और बड़ा काम करने की। बिल्कुल अशोक जी, मैं शिक्षा की जो भाषा है, जो मातृभाषा है, उस पर भी मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। पहले मैं सभी के हमारे जो फर्स्ट व्यूज हैं वो ले लेता हूँ। यश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि अशोक जी ने कहा कि वो वर्तमान शिक्षा जो पद्धति है, जो प्रणाली है, उससे खुश नहीं है। आप खुद एक युवा प्रोफेसर हैं, आप क्या मानते हैं कि किस तरह की शिक्षा नीति होनी चाहिए, उसमें क्या बदलाव होना चाहिए और किस तरह से हम हमारे युवाओं को तैयार करें? हाँ जी,
जैसा अशोक सर ने अभी बताया, मैं उनकी बात से थोड़ा सहमत हूँ कि अभी जो हाल फिलहाल हमारी शिक्षा प्रणाली है उस पर हम पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते जी। और जो अभी कुछ शिक्षा विभाग के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उन्हें भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही साथ जैसा अभी हमने कोरोना के पैंडेमिक के टाइम पे देखा कि एक क्राइसिस आ गया एजुकेशन में कि हाउ टू कंटिन्यू दी एजुकेशन, तो उस केस में जैसा अभी हमने डिजिटल टूल्स को हमने एक हमारे रूटीन में लाने के लिए जो भी जद्दोजहद करी है, हम काफी वर्कशॉप्स करा रहे हैं, नए टूल्स लेके आ रहे हैं, बट जैसा सर ने बताया कि एक तो लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में कि आप अपनी मातृभाषा में या फिर आपकी रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें आप एक बार शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हायर एजुकेशन लेवल पे दिक्कत नहीं आती है, बट साथ ही साथ अभी जैसा हमारी नई शिक्षा पॉलिसी में जैसा आया जी, फॉर्मेटिव ईयर्स जो शुरुआती साल है शिक्षा के, उसमें जो यूके में भी एक प्रचलन है कि वहां भी क्षेत्रीय भाषा में और रीजनल लैंग्वेजेस में शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाता है और ये माना जाता है कि अगर आप क्षेत्रीय भाषा में अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उससे आपकी जो कॉग्निटिव लर्निंग है, जो एक मस्तिष्क का जैसा हमारा एक विकास होता है, वो जो ग्रेस्पिंग पावर है वो काफी ज्यादा बेहतर होती है। तो बट साथ ही साथ जो एक हायर एजुकेशन और एक जो प्राथमिक शिक्षा है, इन दोनों में जो एक ट्रांजिशन का फेज होता है, वहां पे कुछ इनको जो शिक्षा प्रणाली को जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वहां पे इन्हें स्पेशल स्कीम कुछ ऐसा प्रारूप तैयार करना चाहिए जिसके तहत जो इनकी जो एक मैचिंग है, जो इनका ओवरलैप है, वो एक ठीक तरह से हो सके। जी हमें लगता है कि आज भी हम आजाद हुए इतने साल हो गए, करीब 73 से 74 वर्ष हमको आजाद हुए हो गए, लेकिन बावजूद इसके हम आज तक अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। यानी कि उनके जो पद्धति शिक्षा प्रणाली चल रही थी वो मुझे लगता है कि आज भी हम उसका पीछा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मोहनीश जी आपके पास आना चाहूंगा कि आप युवा हैं और अभी आपने स्टडी अपनी कंप्लीट की है, आप क्या मानते हैं कि जो शिक्षा पद्धति अभी हमारे वर्तमान भारत देश में चल रही है वो उचित है या ठीक नहीं है, उसमें कुछ सुधार होना आवश्यक है? सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो करंट पॉलिसी आई है उससे पहले जो कुछ भी चलता आ रहा था उसके अंदर मोस्टली इम्प्रूवमेंट के बहुत ज्यादा स्कोप थे जिसको अभी नई पॉलिसी के अंदर डाला गया है। बट पहले मैं कुछ अच्छी चीज बोलना चाहूंगा, वो ये थी कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है हमारी फर्स्ट से लेकर टेंथ की, वो जो उसका सिलेबस होता है मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सिलेबस है, जो बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया जाता है। कोई भी यूपीएससी की तैयारी करे, आईपीएस की तैयारी करे, वो वहीं से रेफरेंस लेता है। तो कोर्स के अंदर इतना बदलाव लाने की जरूरत नहीं थी, जहां बदलाव लाने की जरूरत थी वो था कि एजुकेशन को लेकर लोगों का नजरिया क्या है, कि अगर हम किसी को एजुकेट कर रहे हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, क्या हम केवल उसे लिटरेट कर रहे हैं और फिर हम बोल रहे हैं कि ये एजुकेशन है। तो ये नजरिया अभी जो नई पॉलिसी आई है इसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उसके अंदर एक नजरिया दिखाया कि जो वर्ड्स यूज किए गए हैं कि केवल रॉट लर्निंग और रट्टा की बजाय उसकी क्रिएटिव एबिलिटी, उसका जो कॉन्सेप्चुअल उसका क्लैरिटी है, जो उसकी थिंकिंग है, वो सबको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, ना कि सिर्फ कुछ पढ़ा रट्टा मारा लिखा और उसके ऊपर मार्क्स लिए और फिर आगे पास हो गए। क्रिएटिव स्टडी होनी चाहिए जी, कुछ ऐसा कि जो आपको सोचने पे मजबूर करे। एक तो है कि आप सोच रहे हैं और एक है कि कैसे सोचना है ये आपको सिखाया जाए, तो ये इस नई पॉलिसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है काफी अच्छे से, तो ये ही इसमें मिसिंग था। बाकी जहां तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस को कम किया गया है क्योंकि आज नॉलेज की कोई कमी नहीं है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। हमें कुछ भी चाहिए तो हम ऑनलाइन एक सेकंड में उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और आने वाले टाइम में जो लेबर क्लास है, जो मैनुअल वर्किंग है, वो कम होने वाली है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, तो जो मैनुअल वर्किंग है, जो इंसान जिसकी सिक्योरिटी गार्ड हो गया या कुछ और, उनको मशीन रिप्लेस कर देंगी। तो अब जरूरत यह है कि हम लोग क्रिएटिविटी को किस तरीके से इम्बाइब करें और हम सोचे कैसे, उससे रिलेटेड जॉब्स कैसे क्रिएट करें, तो यही सब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर अशोक जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप 40 से 45 वर्षों से स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं, शिक्षा के जो टेक्निकल स्टूडेंट्स वो तैयार कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि लगातार हम देखते हैं कि डॉक्टर्स इतने तैयार हो गए, इतने इंजीनियर्स तैयार हो गए, लेकिन वो डॉक्टर इंजीनियर जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं। तो क्या हमारी एजुकेशन फेलियर नजर आती है कि जब इतने साल तक लाखों रुपए लगाकर परिवार के लोग
उनको तैयार करते हैं, इंजीनियर बनाते हैं या डॉक्टर बनाते हैं, उसके बाद वो किसी दूसरे क्षेत्र में काम करने लगते हैं, तो कहां पर ये फेलियर मानते हैं? ये जो फेलियर है ये हमारी समाज की मानसिकता का है। इसमें मैं सबसे बड़ा दोष देना चाहूंगा उस बच्चे या बच्ची के माता पिता को, उसके शिक्षक को और उसका जो मित्र मंडली है उनको। क्योंकि हमारे भारत में क्या है, एक भेड़ चाल का सा एक रिवाज है जी। कि माँ बाप ने कह दिया कि बेटा IIT में कर जाना है तो इंजीनियरिंग की तैयारी करो, या मेडिकल डॉक्टर बनना है तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो। बच्चे का जो रुझान है, बच्चे की जो रुचि है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, न शिक्षक ध्यान देते, न माता पिता ध्यान देते। नतीजा क्या होता है कि बच्चा जो है जैसा माँ बाप ने उसमें दबाव डाला या जैसा शिक्षकों ने उनको बोला या जैसा उनके आसपास के मित्रगण या अड़ोसी पड़ोसी कर रहे हैं, वो भी उसी दिशा में चल पड़ता है, बगैर ये सोचे समझे कि उस क्षेत्र में उसका रुझान है या नहीं है, उस क्षेत्र के वो योग्य है या नहीं है। और एक जमाने में जब मैं पढ़ता था, आज से 40 वर्ष पहले, उस समय पूरे राजस्थान में ले देखे कुल 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे जी। एक बिट्स पिलानी में था, एक जोधपुर में था और एक जयपुर में था जहां मैं पढ़ा, और कुल मिला के 150-200 सीटें होती थी। आज की तारीख में पूरे केवल राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 60,000 से 70,000 जो है वो सीटें हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, और जितनी सीटें हैं उससे आधे भी उम्मीदवार नहीं है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति, वो हर स्टूडेंट, वो हर विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहता है उसका प्रवेश 100% निश्चित है। और माँ बाप ने कह दिया कि भाई तुमको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन जाओगे तो तुमको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सर, मैं आपकी बात को काटना चाहूंगा, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। आप जैसा कह रहे हैं कि माँ बाप की कमी है या स्टूडेंट्स की कमी है, मुझे लगता है कि क्या एजुकेशन के जो फील्ड के जो कॉलेजेस हैं, जो आप जैसे लोग काउंसलिंग करते हैं, क्या वो काउंसलिंग में उनको नहीं बताते कि आगे चल के क्या फ्यूचर हो सकता है, लेकिन सिर्फ वो अपनी मोटी फीस रकम जो है वो लेने के लिए वो भी एडमिशन दे देते हैं, तो क्या उनको सही तरीके से काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए? ये काउंसलिंग जरूरी है, लेकिन ये काउंसलिंग जरूरी है 8वीं कक्षा के बाद जी। हमारे पास विद्यार्थी आता है 12वीं कक्षा पास करने के बाद, जब उसका प्रवेश हो जाता है और वो यहाँ प्रवेश ले लेता है उसके बाद आता है, तो उसके बाद उसकी काउंसलिंग करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर भी कुछ एडमिशन ही देना है उसको सिर्फ। हाँ, फिर भी कुछ मामलों में अपवाद स्वरूप जहां हमको लगता है बच्चा 1 साल पढ़ा या 2 साल पढ़ा और उसका पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है उस विषय में और वो फेल हो गया, तो फिर उसको हम उसको समझाते हैं, उसके माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई आपके बच्चे की इस क्षेत्र में दिलचस्पी नहीं है, इसको 4 साल या 5 साल या 8 साल या घसीटने का कोई मतलब नहीं है, ये रो पीट के अगर पास हो भी गया तो आगे कुछ नहीं करेगा, तो बेहतर है कि इसको अभी आप निकाल लें और जिस क्षेत्र में इसकी रुचि है, जिस विषय में रुचि है, वहां इसको जाने दें, वहां ये बेहतर कार्य कर सकेगा और अपना भविष्य निर्माण कर सकेगा। यश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यश जी, मुझे एक जानकारी आप भी दीजिए, क्योंकि आप भी युवा प्रोफेसर हैं। लगातार जिस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर जो दबाव बढ़ रहा है, चाहे वो निजी कॉलेज हो चाहे वो सरकारी कॉलेज हो, इतना प्रेशर होता है कि लाखों रुपए उसके परिवार के लोग जमीन मकान बेचकर अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरी के लिए, लेकिन इतना प्रेशर उनके ऊपर होता है कि बहुत से जो युवा साथी हैं वो सुसाइड की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतना दबाव उचित है? कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमको व्यावसायिकता को छोड़कर हमको अध्यात्म या भौतिकवाद को छोड़कर अध्यात्म की ओर आना चाहिए, हमें वास्तविक जीवन की सच्चाई को पता करना चाहिए। आप क्या मानते हैं? जी दीपक जी, इस पे मेरा जैसा अशोक सर ने भी बोला, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या किन परिस्थितियों में एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है। अब जैसा कि हम नई शिक्षा नीति में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। जैसे एक तो स्टूडेंट ने 12वीं कक्षा के बाद में दाखिला ले लिया किसी कॉलेज में, कोई एक डिग्री कोर्स को परसू करता है, उसके बाद भी वो उसे वो ब्रांच, उसे वो सीट, उसे वो कॉलेज इसलिए मिलता है क्योंकि उसकी रैंक कुछ आई होती है, उसकी एक एग्जाम में कुछ परफॉर्मेंस रही होती है, ना कि इस बात पे, ना कि उसकी जो एक चॉइस है कि वो किस इंजीनियरिंग भी करनी है तो वो किस
किस विभाग में इंजीनियरिंग करना चाहता है वो उसे अपनी चॉइस के हिसाब से कभी भी परसू करने को नहीं मिलता है। इसी तरह से अभी जैसा नई शिक्षा नीति में एक बहुत अच्छा इन्होंने एक इंक्लूड किया है कि देयर कैन बी अ मिक्स एंड मैच ऑफ कोर्सेज। तो अगर किसी की रुचि किसी चीज में है तो वो भी वो परसू कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज, जो एक पर्याप्त कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज चाहिए, जो आप बता रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर इतना हो जाता है एज अ स्टूडेंट कि वी आर कि हम एक गलत दिशा की ओर अग्रसर हो चलते हैं वहां से। एक कॉलेज भी अपना रिजल्ट सुधारने के लिए प्रेशर देते हैं बच्चों के ऊपर। जी जी जी। तो अगर उसकी रुचि के अगर कुछ विषय वो साथ में पढ़ता रहेगा तो शायद मेरे हिसाब से वो प्रेशर उस तरह डेवलप ही नहीं होगा। और जैसा कि मंत्रालय के स्तर पे भी कुछ सुझाव है कि इनका कोर्स का बर्डन कम किया जाए, तो हम भी अपने विभाग में, हमारा जो डिपार्टमेंट है वहां, हमारे इंस्टीट्यूट लेवल पर भी हम जो क्रेडिट्स रिक्वायरमेंट होती है वो हम धीरे धीरे कम करके और जो डीप्रेशराइज करें स्टूडेंट्स को, उस तरफ हम निरंतर कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो उससे मुझे लगता है कि अगर वो अपने मुझे लगता है कि अगर वो अपने, और एक और जो बात है, जैसे कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसे नहीं पता होता सब्जेक्ट में क्या है, तो वो एक साल दो साल तीन साल का जो उसका जो फॉर्मेटिव कोर्स पूरा हो जाता है, फाउंडेशन पूरी हो जाती है किसी भी कोर्स में, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, उसके बाद उसको उसके सामने नए आयाम खुलते हैं। तो नई शिक्षा नीति में यह भी हमारे पास ऑप्शन है कि एक मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। तो अगर आपको एक वर्ष का ब्रेक लेकर अगर आप सोचें कि मुझे एक दूसरे जो उसके अलाइड एक विषय है उस पे, अगर वो चाहता है कि मैं इस पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं और ये जानूं कि यह मेरे लिए पर्याप्त कोर्स है या नहीं, तो उसका भी प्रावधान हमारी नई शिक्षा नीति में किया गया है, जिससे जो आप ये जो प्रेशराइज एनवायरमेंट होने वाली बातें हैं और जो बाकी जो सुसाइड वाले केसेस हैं, ये इस तरफ से हम डाइवर्ट करके एक अच्छे होलिस्टिक कोर्स की तरफ आगे हम कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार की सरकार की तरफ से भी अभी जैसे 1986 में 10+2 जो है वो शुरू लागू किया गया था, और अभी हाल ही में दोबारा से 5+3+3+ जो नया शिक्षण प्रणाली लागू की गई है। मैं यहाँ पर मोहनीश जी आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार हजारों जो स्टूडेंट हैं वो साल में इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, तो वो जो लाखों रुपए उनका लगा है, परिवार का लगा है, जो उनका समय वहां पर पूरा का पूरा लगा है, लेकिन वो फील्ड कोई और दूसरी चुन लेते हैं। जॉब जब लगती है तो 15,000, 20,000, 10,000 के किसी दूसरे फील्ड में लग जाती है। तो क्या इसको हम किस तरह से, किस नजरिए से देखें कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो जो स्टडी कर रहा है उसी फील्ड में वो एक्सपर्ट बने आगे जाकर। देखिए, एक कोटेशन है, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, जिसका मतलब होता है कि हर एक फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना, ना कि किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज होना। एक तो ये अप्रोच है लाइफ की। दूसरी अप्रोच है किसी एक फील्ड में एक्सपर्टाइज होना। दोनों अप्रोच अपनी जगह सही है, आप जो चुने वो रास्ता सक्सेस की ओर जा सकता है। मैं अशोक सर की बात से अग्री करता हूँ कि उन्होंने बोला कि भीड़ चाल हो गई है, तो अब गिनती केवल इंजीनियर मिटाएंगे, आप जैसे जो युवा है वो मिटाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बात बताना चाहूंगा जो शायद किसी ने सोचा नहीं इस बारे में, बट जब हम ये बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है उनको केवल जॉब, हमारी सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए कि एक जॉब मिल जाए अच्छी खासी गवर्नमेंट, एक अच्छा सिक्योरिटी आ जाए, पैसे आ जाए, तो ये एक्चुअली इसलिए है क्योंकि हमारी जो मेरे पापा मम्मी की जनरेशन है वो इंडिपेंडेंस के बाद की पहली जनरेशन है, आजाद भारत के बाद हमारे पेरेंट्स की वो पहली जनरेशन है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने चीजें इतनी एक्सप्लोर नहीं करी हैं, तो उनका जो नजरिया है वो यही है कि थोड़े बहुत पैसे कमा ले, एक स्टेबिलिटी हो जाए लाइफ के अंदर, तो उनका नजरिया सही है। लेकिन हम लोग सेकेंड जनरेशन है, हम वो जनरेशन है जो इंटरनेट से एक्सपोज बहुत ज्यादा हुए हैं, तो अब हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपोजर है वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन के कारण। और जैसे कि सर ने बोला कि क्योंकि सब लोग वही सोचते हैं इंजीनियर डॉक्टर, तो उसका एक रीजन ये भी है जिसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि बच्चों को पता नहीं होता करना क्या होता है। बच्चे 12वीं पास कर लेते हैं, उसके बाद भी उन्हें नहीं पता होता कि हमें करना क्या है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चार चीजें ही हमारे पास, इन चारों में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, अब हम करें क्या। और इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो स्टार्टिंग के, जैसे आपने बताया कि 5+3+3+4 का जो नया सिस्टम आया है, तो उसमें स्टार्टिंग के 5 साल तो फाउंडेशन ईयर्स माने गए हैं,
क्योंकि 8 साल से पहले बच्चे का पूरा मानसिक विकास हो जाता है काफी हद। बिल्कुल। तो 8 साल से पहले पहले ही उसकी जो बेसिक है, जो उसका कोर है, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे कुछ भी सही नहीं होगा, तो 8 साल के अंदर उसका बेसिक क्लियर कर दिया जाएगा। और फिर 6ठी क्लास से ही उसको बहुत सारी चीजों से, चाहे वो कारपेंट्री हो, फिर चाहे वो प्लम्बिंग का काम हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोडिंग, जैसे कि कंपलसरी कर दी गई है 6ठी क्लास के अंदर, तो उसको हर चीज से एक्सपोज कराया जाएगा इतनी छोटी उम्र से। और सारे, और इससे एक और चीज होगी कि हमारे यहाँ पर एक थिंकिंग ऐसे बन गई है कि अगर कोई कारपेंट्री करता है या फिर कोई ट्रक चला रहा है या फिर कोई पेंटिंग कर रहा है, तो उसको हम थोड़ा नीचे नजरिए से देखते हैं कि ये तो नीचा, मतलब दर्जा उसको नीचा दिया जाता है। ये डिफरेंस गायब होगा धीरे धीरे, क्योंकि बचपन से ही सब कुछ इक्वल माना जाएगा, उन सब्जेक्ट्स को उतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा अच्छे से, तो ये ऑलरेडी इसके अंदर मेंशन है, और ये सब अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। और 6ठी क्लास में इवन इंटर्नशिप्स कर सकते हैं बच्चे, अगर पॉलिसी की बात माने तो 6ठी क्लास से ही आप इंटर्नशिप कर पाएंगे। यानी कि 6ठी क्लास में आते ही वो अपने व्यवसाय को चुन सकते हैं कि आगे चलकर उनको किस तरह किस फील्ड में जाना होगा, वो उसी समय से 6ठी क्लास से अपनी मानसिकता जो है वो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अशोक जी, क्योंकि आप इतने अनुभवी हैं, मैं आपसे, मेरा एक सवाल और भी है, वो सवाल ये है कि हम अगर आजादी से पहले देखें तो एक गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी हमारे देश में, जिसमें हमारी भारतीय परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के बारे में पहले शिक्षा दी जाती थी, यानी कि अध्यात्म के बारे में पहले शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में पहले व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, और जब व्यक्ति ग्रेजुएशन कर लेता है, इंजीनियर बन जाता है, तब उसको लगता है कि नहीं, अभी तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बाकी है, तो वो उसका अलग से कोर्स करता है। क्या आपको नहीं लगा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है? हमको पहले अध्यात्म का, यानी कि हमारी जो कल्चर है उसकी नॉलेज लेनी चाहिए, या पैदा होते ही हमको धन कमाने के लिए बच्चे को प्रेरित करना चाहिए? वही मैं पहले भी मैंने वही चीज बोली थी कि जमाना जो बदला है पिछले 40-50 वर्षों में जी, उसमें अब जो मूल प्राथमिकता रह गई है, चाहे वो शिक्षक हो विद्यालयों के, चाहे घर में माता पिता हो अभिभावक हो, उनका यह है कि उनका बच्चा जो है एक नामी गिरामी विद्यालय में उसका प्रवेश हो जाए, वो अपना पाठ्यक्रम पूरा कर ले, उसका उच्च शिक्षा में कहीं अच्छे संस्थान में उसका प्रवेश हो जाए, उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, और अच्छा उसको समाज में जो इज्जत मिल जाए, इसके अलावा जो है किसी भी चीज की प्राथमिकता। लेकिन सर, मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आप अच्छी कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे? और मैक्सिमम जैसे आप जैसे लोग हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, वो भी तो आज बड़े बड़े पदों पर हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़े हुए लोग भी आज आईएएस आईपीएस बने हुए हैं, क्या शोबाजी जरूरी है इसमें? नहीं, शोबाजी जरूरी नहीं है, ये काम विद्यालय स्तर पर बहुत ज्यादा आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही जब तक बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसको भारतीय संस्कृति की, भारतीय सभ्यता की, भारतीय भाषाओं की, और जो हमारे जिसको आप मोटे तौर पे अध्यात्म कह रहे हो, उस तरह की सभी तरह की शिक्षा का समावेश विद्यालय स्तर की शिक्षा में करना अति आवश्यक है। अब वो कितना होगा, कैसे होगा, वो जो इस विद्यालय स्तर की जो शिक्षा नीति बनाने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, वो अपने हिसाब से वो तय करेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि जब बच्चा जो है उच्च शिक्षा में जाए तो वो एक संपूर्ण विकास, एक संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के साथ जाए, केवल उसके दिमाग में केवल एक बिंदु ना हो कि मेरा प्रवेश जो है एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में हो गया या बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, मेरा अच्छा जॉब अश्योर्ड हो गया और सब कुछ बढ़िया हो गया। तो कुल मिला के जो हमारे मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा संगीत है, हमारी जो और कलाएं हैं, उस पर जो है पहले ध्यान दिया जाता था और वो अनिवार्य विषय भी होता था। मैं जब पढ़ता था विद्यालय में तो मुझे याद है कि हमारे संगीत का विषय भी आवश्यक विषय के रूप में था जी। संस्कृत का विषय भी आवश्यक विषय के रूप में था, व्यायाम का भी आवश्यक विषय के रूप में था शारीरिक शिक्षा के नाम से, और चित्रकला का भी था। अब जो है बाकी विषयों पे इन्होंने ज्यादा बल देते हुए इन विषयों को या तो इन्होंने बिल्कुल हटा ही दिया या उसकी जो प्राथमिकता जो है वो बहुत ही नीचे स्तर पे लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल जी, यश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि अशोक जी बता रहे थे कि अभी जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति है उसमें व्यावसायीकरण कर दिया गया,
तो क्या आप मानते हैं कि शिक्षा का व्यावसायीकरण जो है वो उचित है या शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं होना चाहिए? यश जी 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 हाँ जी हाँ जी दीपक जी, मेरे हिसाब से शिक्षा आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से आती है तो इसका व्यावसायीकरण होना चाहिए, बट वो सरकार के द्वारा रेगुलेटेड होना चाहिए। और जहां तक आपने अभी सवाल किया था कि जैसे हम जो शिक्षा है वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम के लिए या एक बड़े कोर्स के पीछे जाते हैं जी, तो जैसा कि अभी हमने हाल ही में देखा कि हमने सारे जो कोर्सेज थे वो ऑनलाइन फ्लोट करे और उसपे काफी अच्छा लोगों का पार्टिसिपेशन था, उसपे काफी सहूलियत भी रही लोगों को अपने समय अनुसार ज्वाइन करने की, कोई विचारों और विमर्शों का आदान प्रदान करने की। और अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि IIT मद्रास में एक BSc कोर्स, कंप्लीट ऑनलाइन डिग्री कोर्स उन्होंने इस साल से चालू करने के शुरुआत की होगी, स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग जी। तो हाँ जी हाँ जी, तो अब वो दिन दूर नहीं है कि जब हम देखेंगे कि सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो हम चाह रहे हैं कि एक अच्छा यूनिवर्सिटी या अच्छा नाम या अच्छा कोर्स, ये सब बातें बहुत ही साइडलाइन होने वाली हैं, क्योंकि देयर इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन द एजुकेशन सिस्टम। सो जिस तरह हम डिजिटल तकनीकों का यूज ले रहे हैं, उस तरह सभी कोर्सेज, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज जो एक विद्यार्थी लेना चाहता है उसमें शिक्षा संभव हो पाएगी और ऑनलाइन हो पाएगी, तो एक अच्छे कोर्स का ज्यादा पैसे देने का जो आप बोल रहे हैं व्यवसायीकरण होना है होना सही है या गलत है, ये सवाल कुछ समय में हम देखेंगे कि ये अपना महत्व खो देंगे। और एक अच्छा शिक्षा प्रणाली के तहत सब चीजें सुचारू रूप से एग्जीक्यूट हो पाएंगी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, देखिए मेरा ये मानना है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ व्यवसायीकरण कर देंगे, यानी कि बच्चे को पैदा होते ही गोद में लेते ही उसको कहेंगे कि ये इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, तो ये गलत है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो पद्धतियां हैं, उनको भी आपको जीवन में उतारना ही पड़ेगा, वरना तो आप और हम या हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं रोबोट का रूप ले लेंगे, यानी कि सिर्फ एक गुल्लक में जिस तरह पैसा डालते हैं इस तरह वो उस गुल्लक की तरह हो जाएंगे कि पैसा आया पैसा डाला, पैसा आया पैसा आया, लेकिन पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता है। जब तक उसकी धार्मिक, सांस्कृतिक, मानसिक विकास नहीं होगा तब तक वो रोबोट की तरह ही रहेगा। यहाँ पर मोनीश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप क्या सोचते हैं कि क्या हम रोबोट तैयार कर रहे हैं? सर अभी तक तो जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी उसमें तो हम बोल सकते थे कि काफी हद तक हम रोबोट तो नहीं, मतलब हम ऐसे स्टूडेंट तैयार कर रहे थे जो सेल्फ अवेयर नहीं थे कि उनका खुद का पोटेंशियल क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। लेकिन जिसकी अभी बात हुई व्यवसाय की, कमर्शियलाइजेशन की, तो जिसकी अभी भी न्यू पॉलिसी के अंदर ये एक स्कीम है, ये है कि 100 यूनिवर्सिटीज पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छी उनको इंडिया में अपना इंस्टीट्यूशन खोलने का मौका मिलेगा, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे वो कोई भी हो। और व्यवसाय की अगर बात करें तो ये भी कमर्शियलाइजेशन का पार्ट ही हुआ, लेकिन इसमें ये भी दिया गया है कि अब से कोई भी प्राइवेट कॉलेज अपनी मनचाही फीस नहीं ले सकता, एक फिक्स कैप रखी जाएगी और उसके अंदर ही उनको लेना पड़ेगा। जहां तक अगर हम नैतिकता की सीख की बात करें या फिर मॉरल वैल्यूज की बात करें, तो मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी बच्चे का सबसे पहला टीचर उनके माँ बाप होते हैं। तो पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माँ बाप जो है वो किस तरीके से एक बच्चे की अपब्रिंगिंग करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि LKG UKG में जाते बच्चों को बोला जाता है स्कूल में कि भाई तुम्हें इंजीनियर बनना है, बनना है, वो धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप होता है। उससे पहले अगर उस बच्चे की 8 साल 9 साल पहले अगर माँ बाप घर पे अच्छे से ट्रेनिंग कर देंगे तो वो बहुत सही रहेगा, क्योंकि वेस्ट के अंदर ये है कि वहां पर कोई ऐसे मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप ने बस छोड़ दिया और कुछ भी गलत हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही होता है कि बच्चे के साथ कुछ भी गलत होता है तो माँ बाप एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं, टीचर्स को ब्लेम करते हैं, खुद भले ही वो बच्चे बिल्कुल ध्यान ना दे। तो ये भी एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है कि इस अब से माँ बाप को भी कुछ स्पेसिफिक टास्क दिए जाएंगे कि उनको बच्चे के साथ में इतना टाइम स्पेंड करना है, उनको ये चीज उनको इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारी संस्कृत जैसे कि भाषा जो है उसको बहुत इन्वॉल्व करने की बात हुई कि संस्कृत को किस तरीके से हम और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि संस्कृत से ही बाकी सारी जो भाषाएं हैं उनकी ब्रांच होगी हुई है, और हमारे कल्चर के ऊपर भी इस पॉलिसी पे ध्यान दिया गया है। तो ये जो
सारी प्रॉब्लम्स है इनको धीरे धीरे करके पिछले 5 साल से ही, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो गया है, पिछले 5-6 साल से इस पर चर्चा चली है, तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इसमें दे रखे हैं। अब देखने वाली बात यह कि किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिल्कुल अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि समय की एक सीमा भी है, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। मैं अशोक जी आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आपने शुरू में जो शिक्षा में जो क्षेत्रीय भाषा यानी कि मातृभाषा का आपने जो बात कही थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से हमारी जो मातृभाषा है वो हमारी पढ़ाई के साथ साथ शामिल होनी चाहिए, जिससे कि हम मानसिक विकास और इन फ्यूचर में भी हम अपने बच्चों का विकास करें। मैंने इस पर बहुत विस्तार से अध्ययन किया और ये पाया कि विश्व के जो शीर्ष 20 देश हैं जी, विकास की दृष्टि से या उनका जो जीडीपी पर कैपिटा है उसके दृष्टि से 20 देश हैं, और उन शीर्ष 20 देशों में 200 देशों में पूरी स्कूली शिक्षा, पांचवी तक ही नहीं 11वीं तक या 12वीं तक जो भी वहां सिस्टम है उसके हिसाब से पूरी विद्यालय स्तर की शिक्षा जो टॉप 20 कंट्रीज है पूरी दुनिया में, जिसमें अमेरिका भी है, यूके भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, जापान भी है, उसमें शिक्षा का माध्यम उस देश की, उस समाज की स्वयं की अपनी भाषा है, चाहे वो जापानी हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे अंग्रेजी हो या कोई और भाषा हो। तो मेरा और इस पर जो है पूरे विश्व में एक अनेक वर्षों के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, मनोचिकित्सकों ने बहुत गहन शोध किया है और उन्होंने ये पाया है कि 8 साल की उम्र तक बच्चे का जो संपूर्ण बौद्धिक विकास है जी, उसका मोटा हिस्सा जो है वो शुरू के 8 साल में होता है, और उन 8 सालों में जब बच्चा अपने बुद्धि के विकास के दौर से गुजरता है वो उस भाषा में स्वयं को सबसे ज्यादा सहज पाता है जो उसकी स्वयं की भाषा है, मतलब उसकी स्वयं की मातृभाषा। वो मातृभाषा राजस्थान में हिंदी हो सकती है, कलकत्ता में वो बंगाली हो सकती है, आंध्र प्रदेश में वो तेलुगु हो सकती है, तमिलनाडु में वो तमिल हो सकती है। मैं आपको 2-3-4 उदाहरण देना चाहूंगा। मैं 4-5 बहुत बड़े वैज्ञानिकों से मेरे को व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य मिला है जी, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल है, और मुझे उनसे जब मैंने बात की तब मुझे पता लगा कि उनकी पूरी विद्यालय स्तर की शिक्षा जो है तमिल माध्यम में हुई, और इस नई शिक्षा नीति के जो प्रणेता हैं, जो पूरी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और जो इस शिक्षा नीति के मतलब शीर्ष हस्ती रहे हैं, उनसे भी मेरे को 4 बार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने भी अपने विद्यालय स्तर की शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त की है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम नारायण मूर्ति जी का है, उन्होंने 11वीं तक की शिक्षा कन्नड़ में हासिल की है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में हासिल की थी, राजस्थान का बच्चा हिंदी में हासिल करता है। तो कम से कम पांचवी कक्षा तक की शिक्षा हर बच्चे को, जिस भी वो प्रांत में है, जिस भी वो राज्य में है, उसको जिस भी भाषा में वो सहज महसूस करता है उसी भाषा में हो, तो मैं निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद इसके बहुत अच्छे और सुखद परिणाम देश को देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह जीवन भर आप अपनी माता के पास रहें, उसकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, तो जीवन आपका सफल हो सकता है। उसी तरह शिक्षा में भी आप अपनी मातृभाषा को शामिल करेंगे तो आपका भविष्य जो है वो सुखद होगा। यश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, फाइनल व्यू आपका क्या है शिक्षा पद्धति को लेकर? दीपक जी, शिक्षा पद्धति अभी जो नई आई है, हमें काफी समय बाद 34 वर्ष बाद हमें चेंज करने का मौका मिला शिक्षा जी, शिक्षा नीति और उससे जुड़े हुए काफी सारे पहलुओं को, तो इसमें काफी सारी अच्छी चीजें हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, एक मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट हमारे साथ है, जो कि एक आप एक स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर वो 2 साल बाद करके भी कोर्स छोड़ना चाहता है तो वहां वो उसे डिप्लोमा की डिग्री मिलती है, अगर वो 3 साल में छोड़ता है तो एडवांस डिप्लोमा डिग्री उसके साथ हमेशा रहती है, वो कभी भी अपने करियर में ड्रॉप आउट नहीं कहलाता। अगर उसे कुछ समय बाद ये रियलाइज होता है कि यह कोर्स मेरे लिए एक उपयुक्त कोर्स नहीं है और वो किसी दूसरे कोर्स पे स्विच करना चाहता है, या दूसरा, जैसा आपने बोला कि हम शिक्षा किसी और विषय में ग्रहण करते हैं और हम अल्टीमेटली जॉब कोडिंग की कर रहे होते हैं या कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर काम कर रहे होते हैं,
तो वो एक डिमांड सप्लाई भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो इस बार की शिक्षा नीति में हम देख रहे हैं कि इसमें एक इम्पोर्टेंट बात मुझे जो ये लगती है काफी महत्वपूर्ण यह रहेगा कि पहले उसके पास एक स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहता था 10 में से 7 सब्जेक्ट चूज करने का जी। अब उसके लिए पूरा एक बास्केट ओपन है जिसमें 40 से 50 सब्जेक्ट उसके पास रहेंगे, तो ये एक देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी, काफी ज्यादा उसकी संभावना है कि वो मिसगाइड हो जाए। तो हमें एक मेंटरिंग का यहाँ पे एक बहुत विशेष का रोल है कि उसे उसकी जो अभिलाषाएं हैं, उसकी जो रुचियां हैं, उसके साथ में एक राइट मिक्स एंड मैच हमें उसको गाइड करना चाहिए, मेंटर करना चाहिए, जिससे जो भी वह कोर्स करता है, जो भी विषय वो लेता है या जो भी डिग्री वो प्राप्त करता है, वो एक बिल्कुल सही मापदंड पे खरी उतरे और जो काम करना चाहता है उसके लिए एक सूटेबल डिग्री हो। बिल्कुल, कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि जिस शिक्षा को आप प्राप्त कर रहे हैं उसी शिक्षा में आपको आगे अपनी जॉब भी करनी चाहिए, जिससे कि आप एक मजबूती की तरह खड़े, मजबूत होकर आप खड़े रहें और एक अपने आप को, परिवार को और समाज को और देश को सुदृढ़ और मजबूत बना सके। यहाँ पर मौनी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, फाइनल व्यू आपका क्या है? सर फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इसमें अच्छी चीजें 2-3 जो और ऐड करी गई है वो थोड़ा बोलना चाहूंगा कि 3% से 6% हमारा जीडीपी जो है, बजट जो है, इसके अंदर जाएगा एजुकेशन में, जिससे रिसर्च के लिए मौका मिलेगा बहुत ज्यादा। और उसके अलावा राइट टू एजुकेशन को एक्सपेंड करने की बात की गई है, पहले ये था कि 5 साल से लेकर 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, अब इसको 3 से 18 साल के बीच कर दिया गया है ताकि हायर एजुकेशन में भी उनको मदद मिल सके। जैसे कि मैंने कहा बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है, किस तरीके से सोचना है वो दिखाया जा रहा है। हम अब लीडर्स पैदा करेंगे, मतलब हम केवल वो स्टूडेंट नहीं पैदा कर रहे हैं जो जॉब ढूंढेंगे, बल्कि वो जो जॉब क्रिएट करेंगे बाकियों के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर विद्यार्थी तैयार कर। जी जी। इसके अलावा जैसे कि यश भैया ने बोला कि हमने मल्टीपल एग्जिट एंट्री पॉइंट्स ले दी हैं, स्ट्रीम्स का डिफरेंस जो है वो अब हट गया है, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो ये सब तो है, लेकिन 2-3 कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर नई पॉलिसी में वो ये है, जैसे कि अशोक सर ने अभी बोला कि हमें मातृभाषा इसके टॉप 20 कंट्रीज जो है वो अपनी मातृ, लेकिन दिक्कत इंडिया के साथ ये है कि इंडिया के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज तो कोई है नहीं पूरे इंडिया में, और जो इंडिया के अंदर ऐसा कहते हैं कि अनरिकॉग्नाइज्ड 1000 लैंग्वेजेस हैं, हर 22 किलोमीटर के अंदर हमारे डायलेक्ट चेंज हो जाते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर पॉलिसी के अंदर हालांकि लिखा गया है कि 5वीं क्लास तक जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है आपको उसमें पढ़ाया जाएगा, बट कंट्रोवर्सी अब यह है कि अगर तमिल के अंदर कोई बच्चा तमिल में पढ़ाई कर रहा है और महाराष्ट्र में जो बच्चे की हिंदी लैंग्वेज है वो अगर वहां पर शिफ्ट हो गया तो फिर वो अपनी हिंदी में पढ़ेगा या तमिल में पढ़ेगा, तमिल तो उसको आती नहीं है। तो इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे उन्हें कैसे रिजोल्व किया जाएगा। इसके अलावा जैसे कि जो इंग्लिश है, लोगों को लग रहा है कि इंग्लिश को पूरी तरह हटा दिया गया था और हिंदू भाषा को प्रमोट किया गया था, तो एक्चुअली ऐसा ये था कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट तो 5वीं तक रहेगा, उसका जो माध्यम होगा पढ़ाने का वो हिंदी में कर दिया जाएगा। बाकी ये कहा गया था कि बहुत सेंट्रलाइज कर दिया गया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है सब कुछ, एक लौती मतलब सारी जो क्या बोलते हैं उसको इंस्टीट्यूशंस थे उनको मिला के केवल एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है, स्टेट का जो उसमें रोल था उसको कम कर दिया गया है, स्टेट से ज्यादा बातचीत नहीं हुई है इस बारे में और केवल एक नेशनल। तो इसमें इस तरीके से कंट्रोवर्सीज भी हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए अगर तो ये 35 सालों के अंदर जो सबसे बड़ा कोई डिसीजन लिया गया है मेरी नजर में एज अ स्टूडेंट, वो शायद यही रहा है जब से। लेकिन मौनी जी कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रगति का नियम है, जैसे जैसे आप परिवर्तन करेंगे वैसे वैसे प्रगति होगी। अशोक जी मैं आपका फाइनल व्यू लेना चाहूंगा क्योंकि समय सीमा का भी हमें ख्याल रखना है, आपका फाइनल व्यू क्या है? नीति, नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, लेकिन कोई भी अच्छी नीति बनाने से उसके अच्छे परिणाम आए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसके अच्छे परिणाम देश, व्यक्ति को और समाज को और देश को जब भी मिलेंगे, जब इस नीति के को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनेगी और उस प्रभावी रणनीति बनाने के बाद उसके लिए जो आवश्यक संसाधन है वो भी उपलब्ध कराना आवश्यक है, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो या समाज के माध्यम से हो। तो जब नीति के साथ रणनीति और रिसोर्सेस वो दोनों चीज सम्मिलित होगी और उसके बाद जो है उसमें शिक्षक सबसे अहम भूमिका जो है वो शिक्षकों की है, चाहे वो स्कूल में शिक्षक हो या बड़े बड़े संस्थानों में आचार्यगण हो, उनकी ये अहम जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि वो जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र इस नीति को धरातल पे उतारें और उसका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करें, तभी ये सुनिश्चित हो सकेगा
कि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वयं को सक्षम बनाए सक्षम पाएंगी जी। और जब वो स्वयं सक्षम होंगी तो इस समाज को राष्ट्र को भी सक्षम बनाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी। निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ व्यावसायीकरण शिक्षा का जो है वो नहीं होना चाहिए। व्यावसायीकरण के साथ साथ में आपके सांस्कृतिक, अपनी धार्मिक, अपनी आध्यात्मिक सारी परंपराओं को साथ में लेकर चलना चाहिए, तभी एक सर म्यूट हो गया आपका, और अपने देश को भी मजबूत कर पाएगा और अपना जीवन भी वो सुखी रूप में गुजारेगा। मैं हमारे दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि अभी कोरोना जो है वो खत्म नहीं हुआ है, आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और समाज का और देश का ख्याल रखें, और आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें सिटी लाइव के माध्यम से अपनी राय, अपनी सलाह और हमारे जो आने वाले डिबेट के जो विषय होंगे वो भी आप हमें कह सकते हैं, हमें बता सकते हैं अपने फेसबुक के पेज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप हमें अपनी सूचनाएं दे सकते हैं। आपका अशोक अग्रवाल जी, यश जी आपका और अविनाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आज आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया। धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.